इनोवेशन क्लब साइनेज कॉमर्स कॉलेज बलसाड़ आयोजित चार दिन का प्रशिक्षण कैंप हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। इसी समारंभ के मुख्य अतिथि माननीय प्रकाश जी चंद्रा, जो एनएसएस वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे राहबर श्री नूतन केलवनी मंडल के मंत्री श्री माननीय कीर्तिभाई देसाई, जो इस उद्घाटन समारंभ के उद्घाटक हैं, सरकार की ओर से जो प्रशिक्षित करने वाली है वो बेन, हमारे यहाँ जो स्टार्टअप ऑफ इनोवेशन क्लब का जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रोफेसर भावसार सर, इनके साथ में प्रोफेसर विग्नेश, प्रोफेसर चिराग राणा, मेरे स्टाफ के सभी सदस्य, और इस प्रशिक्षण में आप सब जो बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं वो मेरे सभी विद्यार्थी मित्र। दोस्तों, पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति का निर्माण जो हम देख रहे हैं, बदलाव जो देख रहे हैं, उसी के बदलाव के स्वरूप में गुजरात सरकार ने भी और पूरे भारत के अंदर माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र भाई मोदी ने युवाओं के लिए एक बड़ा नया कार्यक्रम जो स्टार्टअप इंडिया है, जो इनोवेशन क्लब है, उसके स्वरूप में पूरे राष्ट्र में चल रहा है। इस देश के अंदर हम लोग देखते थे आज तक सिर्फ पढ़ाई करके, कॉलेज में पढ़ाकर हम ग्रेजुएट को बाहर निकालते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अंदर भी, अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अंदर भी जब बड़ा बदलाव हम लोग देख रहे हैं, इसी तरह इस देश में भी हम शिक्षा के अंदर, शिक्षा नीति के अंदर बड़ा बदलाव हम लोग देख रहे हैं। उसी के स्वरूप में एक बदलाव हम लोग शिक्षा के अंदर देख रहे हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर हमने नया शिक्षा नीति को लगाने का, शुरू करने का काम हमने शुरू किया है। हमने सिलेबस में बदलाव चालू किया है, हमने शिक्षा की पद्धति में बदलाव करने का प्रयत्न शुरू किया है। असर हो रहा है अभी सिर्फ आपके ऊपर नहीं, लेकिन पूरे समाज के अंदर उसको बदलाव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैं आपको भी बता रहा हूं कि शिक्षा नीति के अंदर, शिक्षा के स्वरूप के अंदर, शिक्षा की पद्धति के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर बदलाव हो रहा है। एकेडमिक बैंक, क्रेडिट बैंक बन रही है। अभी अभी एक परिपत्र हमें मिला है कि आपको भी एकेडमिक क्रेडिट बैंक के अंदर जो आपको ABC उसमें आपको रजिस्टर करके हम लोग अभी वो क्रेडिट बैंक दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में भी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, पहले ऐसा था कि आप घर पे काम करते थे उसका कोई गिनती आपके मार्क्स के अंदर नहीं होता था। कोई एक विद्यार्थी अगर घर के ऊपर, उसके पिताजी कारपेंटर है, वो काम कर रहा है घर में भी, उसके पिताजी को मदद कर रहा है, तो उसके भी क्रेडिट मार्क्स अभी आपके स्टडीज के अंदर गिने जाएंगे और आपको उसका एक नया आयाम दिखना मिलेगा। जिसकी तरह हम लोग देखते हैं कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम धीमे धीमे यूनिवर्सिटी में बदलाव के स्वरूप में आ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर भी हमने करीबन 10 सब्जेक्ट ऐसे डाले हैं जो स्किल बेस है, आप पढ़ रहे हो। मुझे बड़ा आनंद और गर्व की लागनी में इसलिए अनुभव कर रहा हूं कि यहां हमारे मंत्री श्री बैठे हैं, उनको भी हमने बताया था, हमने ट्रस्ट को भी बताया है कि अभी आपका एनरोलमेंट सीधा सेल्फ सर्टिफाइड कोर्स दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, तो हमने वो भी एफिलिएटेड कर दिया है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे धर्मपुर या तो आजू बाजू के सभी विद्यार्थी हमारे एक कैरियर बेस्ड ग्रेजुएट बनकर बाहर जाए।
आप पता हो गया है कि सिर्फ थियरी चार दीवार के अंदर आपको पढ़ डालेंगे, आने वाले कल के लिए हम एक कैरियर और एक विद्यार्थी महान मिले और उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, ऐसा मकसद हमारे माननीय प्रधान जो शासन करते हैं अभी उनकी एक दृष्टि सुष्टि ऐसी लगी हुई है। और इसीलिए आज का कार्यक्रम जो हम उद्घाटित करने जा रहे हैं, हम चालू करने जा रहे हैं, आपके शिक्षा के अंदर उसी का एक भाग ये है कि आपको अभी स्किल बेस्ड नॉलेज देनी पड़ेगी। और जो कॉलेज या संस्था अगर नहीं देगी ना तो ऑर्डर में नाम होकर वो बाहर निकल जाएगी। कहने का मतलब ये कि आज का विद्यार्थी ऐसी संस्था में कभी प्रवेश नहीं लेगा। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तर चरण मंडल के अंदर जितने भी कॉलेजेस है उसमें हमने प्राधान्य दिया है, हम प्रायोरिटी में कॉमर्स वाले ने शुरू किया है, आज से भी कब से शुरू कर दिया है हमने। तो कई लोगों ने उसका विरोध किया, मुझे बड़ा आनंद है 2020 की पॉलिसी में ये तो जता दिया यूनिवर्सिटी के द्वारा भी जता दिया है कि हम सही राह पर चल रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों आप बड़े भाग्यवान हो, मैं भी भाग्यवान हूँ इसके लिए सक्षम है, हम सही राह पे जा रहे हैं। ये प्रूव करने का काम मैं नहीं करूंगा, संस्था नहीं करेगी, मेरे बच्चे समाज के अंदर ये बात को लेकर जाएंगे। उसी का एक आज शुभ शुरुआत का कार्यक्रम हमने रखा है। इस चार दिन के कार्यक्रम के अंदर दोस्तों आपको बड़ी कई सारी चीजें सीखने मिलने वाली है, उसी का आप आत्म वांचन कीजिए, आत्म अभ्यास कीजिए। और आगे जाकर मुझे बताने के लिए इसी आनंद इसलिए हो रहा है कि हमारे एक लड़की अभी प्रवेश लिया है जो 12वीं के अंदर स्टार्टअप इंडिया के अंदर 1,00,000 रुपया उसको सरकार ने दिया था सर, और उसी लड़की ने अपना खुद का व्यवसाय ऑनलाइन में शुरू किया है। वो लड़की भाग्य से हमारी कॉलेज में आई है। ऐसे कई सारे बच्चे को एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आप भी अच्छे व्यवसायी बन सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने आप में क्रिएट कर सकते हो, सरकारी जॉब्स हो या तो कॉरपोरेट के अंदर भी जॉब हो उससे बढ़िया हम खुद कैसे कमाएं, हम नए नए आयाम में कैसे जाएं। वो लड़की यहाँ बैठी है, आप थोड़ा सा उसको सुने भी और उसके पास आप ज्ञान मिले ताकि आने वाले कल के लिए, ये सरकारी कार्यक्रम है ऐसा मत समझो, सरकार बड़ा काम कर रही है आजकल लेकिन उसको रिस्पॉन्स देने का काम हमें करना पड़ेगा। उसकी यथार्थता उसकी सार्थकता तब आएगी जब हम उसको फॉलो करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे और आने वाले कल के लिए इस देश के अंदर मेरा युवा उसका हाथ में काम लेकर अपने आप में गर्व से कहेगा कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, इस राष्ट्र में मैं बढ़ रहा हूँ, इसका गर्व हमें लेना है। दोस्तों इसी भूमि के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आए यहाँ पर सीखे और जाकर बताए कि हिंदुस्तान के अंदर हम क्या देख रहे हैं। आज भी डंका बज रहा है, इस देश का डंका बज रहा है, इस देश का नेतृत्व का डंका बज रहा है, उसको हम आगे लेकर जाए, हाथ से हाथ मिलाए, काम से काम ले और आगे जाकर ये जिताएं कि हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी कोई कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं, हम भी देखते हैं। हमने देखा है कि खेल कुंभ और अंतर्राष्ट्रीय रमोत्सव ये सब चीजें इसको जोड़ रही है। हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए, आरोग्य के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे आप युवा इस देश के आने वाले कल के नेतृत्व है, कई सारे लोगों को आपका उदाहरण मिलने वाला है। उसी को लेकर इस चार दिन के प्रशिक्षण केंद्र के अंदर आप अच्छा ज्ञान लें, आप सवाल करें, आप ज्ञानी बने और अपने आप में महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाए ताकि आगे जाकर छोटे छोटे देहात के अंदर भी हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। उसी को लेकर हमें सभी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, सभी तरीके का मार्गदर्शन होना चाहिए, इसीलिए ऐसे सभी कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरा साइंस का बच्चा या तो विद्यार्थी या विद्यार्थिनी आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना बिजनेस को डेवलप करे, अपने आप में खुद को खुदगर्ज करके बड़ी अपनी नाम और पहचान बनाए ताकि इस देश का नाम भी आगे जाकर बहुत बड़ा हो, संस्कृति का जतन हो, चारित्र का निर्माण हो। उसी को लेकर हम सब एक होकर कहें कि हम भारतीय हैं। इसी के साथ मैं अपना पूरा विचार प्रकट करके, दूसरे हमारे कई सारे वक्ता है उसको आप सुने, धन्यवाद। आपको कई सारी शुभेच्छा देकर, ऑल द बेस्ट कहकर, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है
इसी के लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। जय भारत।